आखिर क्यों दुनिया भर की अखबारों में बताया जा रहा है मोदी जी वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर? क्या वजह है मोदी के इतने पॉपुलर होने की, और कैसे मोदी जी ने सभी देशों के प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों, हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी बाकी लीडर्स के मुकाबले सबसे लंबे समय में पावर में हैं। पॉलिटिक्स के एक आइडियोलॉजी के अनुसार जो लीडर सबसे लंबे समय से रूलिंग करता है उसके अगेंस्ट पब्लिक में डिसलाइक्समेंट्स बढ़ती हैं। इसके बाद भी करीब 8 सालों से प्रधानमंत्री रहने के बावजूद मोदी जी की पॉपुलैरिटी बने हुए हैं। ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि पिछले 20 सालों से पहले वो मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री जैसे हाई कंस्टिट्यूएंट पोस्ट पर हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे राजनेता हैं जिनकी राजनीति आजादी के बाद भारत के इतिहास में अपोजिशन के द्वारा बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना किया है, इसलिए भी पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी का नाम होगा। अपोजिशन नरेंद्र मोदी की कितनी भी क्रिटिसिज्म करता हो, लेकिन हर बार नरेंद्र मोदी पूरी मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभर कर आए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ किए गए प्रोपेगेंडा से भी कभी घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म को और अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा किए गए आलोचना का डटकर सामना किया। तभी तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर पहुंचे हैं। आज के टाइम में जो व्यक्ति 2 दशक से ऐसे दायित्व संभाल रहा हो और पब्लिक फिर भी उसके रूबी न हो, तो स्वाभाविक है कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होंगी, और मोदी जी की इन एबिलिटीज की चर्चा आजकल दुनिया भर की अखबारों में देखने के लिए मिल रही है। ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध और गंभीर अखबार द इकोनॉमिक्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। द इकोनॉमिक्स, जो अपनी गंभीर बिजनेस और जियो पॉलिटिकल जर्नलिज्म के लिए जाना जाता है, उसने लिखा है कि भारत की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। द इकोनॉमिक्स ने लिखा है कि लोकप्रियता की वजह से नरेंद्र मोदी का वैश्विक राजनीति में आना और छा जाना ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ा विकास को दर्शाता है। पहले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव और 12 से ज्यादा राज्यों के चुनाव जीते हैं, फिर भी राज्यों में राजनीति को पूरी तरह से कंट्रोल करने में बीजेपी नाकाम रही है। आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो सब कुछ बदल जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि अगले 5 सालों के लिए और शायद उसके आगे भी मोदी के नाम पर ताला लगा हुआ है। उनकी अप्रूवल रेटिंग 77% से ज्यादा है और वो अपनी पार्टी की अप्रूवल रेटिंग से 2 गुना का अप्रूवल रेटिंग रखते हैं, जो उन्हें दुनिया का सबसे पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर बनाता है। करीब 1 महीने पहले अमेरिका के दौर पर गए मोदी जी और उस वक्त से चल रही उनकी चर्चा के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी पर शोध किया और बताया उनके लोकप्रिय होने की वजह क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दक्षिण एशिया के ब्यूरो चीफ मुजीब मशाल ने लिखा है कि पीएम मोदी जी की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह उनका रेडियो का शो मन की बात है। ये प्रोग्राम लोकल लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जोड़ने का मौका देता है। इस प्रोग्राम में मोदी जी हर महीने में हो रहे छोटे बड़े पॉजिटिव बदलाव के बारे में बात करते हैं। लोगों से डायरेक्ट बात करना, उनके जागरूक करना मोदी जी की एक अलग इमेज को दर्शाता है। मोदी जी केवल इसलिए लोकप्रिय नहीं है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम है, बल्कि मोदी इसलिए लोकप्रियता है क्योंकि उनका प्रभाव देश के लोगों पर बहुत ज्यादा है। अपने आधे घंटे के प्रोग्राम के जरिए मोदी जी ने सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की विशालता में खुद सर्वव्यापी बना लिया है। पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीन स्तर की समझ और दूसरी उनकी कहानी कहने की क्षमता है। उनकी इन खासियतों की वजह से मोदी भारत के लोगों से न केवल खुद को जोड़ पाते हैं, सरकार की योजना को प्रभावी तरीके से लोगों के सामने रख लेते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे मोदी जी ने बाकी देश के प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की डाटा एनालिसिस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में उभरे। सर्वे में 71% भारतीयों ने उनका अप्रूवल किया। वह मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज लोपेज ओब्रादोर से 5 नंबर ऊपर रखकर टॉप पर रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी अपने कंट्री के लोगों से 60% अप्रूवल लेकर 3rd नंबर पर रहे। उनके पीछे जापान के कुमियो किशिदा 48%, जर्मनी के ओलाफ रूलर्स 44%, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो 43 और अमेरिका के जो बाइडन 43 हैं। वर्ल्ड के 13 लीडिंग डेमोक्रेसीज के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की लिस्ट मोदी का फर्स्ट आना कोई नई बात नहीं है। अगस्त 2019 से मॉर्निंग कंसल्ट ने समय समय पर ऐसे सर्वे किए और मोदी हमेशा काउंट पार्टनर्स को पीछे छोड़ नजर आए। यहाँ तक कि मई 2021 में जब भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जुड़ रहा था और मोदी की रेड्यूस एक्सेबिलिटी 63% हो गई थी, तब भी वह अन्य देशों के नेताओं की तुलना में अधिक लोकप्रियता के आंक में आ गए। जब किसी सरकार के चीफ का मिनिमम परफॉर्मेंस ही ग्लोबल बेंचमार्क पर बेस्ट हो तो इनका तात्पर्य है मोदी है तो वाकई मुमकिन है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।